कोलकाता आर्मी कैसे हो आप लोग? मुझे पता है बहुत उम्मीद से और बहुत अच्छे से यहाँ पे कोलकाता फैंस के लिए मैं यहाँ शानदार वीडियो लेके आया हूँ। फुल स्क्वाड के ऊपर ही वीडियो आ गई है दोस्तों। हम बात करेंगे पूरे बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स और साथ में बॉलर्स कौन से होने वाले हैं यहाँ पे। फुल स्क्वाड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, उसके बाद हम प्लेइंग 11 भी बताने, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या हो सकती है यहाँ पे आईपीएल 2024 के लिए कोलकाता आर्मी की। तो अगर आप कोलकाता का फैन हो, ये वीडियो आपके लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो क्योंकि जबरदस्ती ये वीडियो होने वाली है। और कॉमेंट बॉक्स में जाओ, अपनी प्लेइंग 11 बताओ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में प्लेइंग 11 के ऊपर ही बताने वाला हूँ। तो क्या मैच करेगी आपकी प्लेइंग 11 मेरी प्लेइंग 11 से, देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पे स्क्वाड के बारे में डिस्कस कर लें क्योंकि ये स्क्वाड काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, क्योंकि आपको तो आपके टीम में आ गया कौन, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी। हम बात करें मिचेल स्टार्क की, जिनको भाई साहब आपने 24 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि आज तक ये बहुत ज्यादा पैसा है। जसप्रीत बुमराह को आप 12 करोड़ देते हो, 12 दुना 24, मतलब दुगना पैसा दे रहे हो आप यहाँ पे, और ये चीज आप सोच सकते हो कि क्या है। और यहाँ पे गए हैं गौतम गंभीर, जिनका थिंकर कमाल के हैं क्योंकि इनके बजाय किसी को ज्यादा पैसे नहीं दिए। चलो एक बार स्क्वाड बता देता हूँ आपको मैं। जसन रॉय, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रघुवंशी, साथ में सरफन रदरफोर्ड भी आ गए हैं, ऑलराउंडर्स महेंद्र शर, रिंकू सिंह सुनील नारा, वेंकटेश रमनदीस और साथ में अनुकूल रॉय। अब बात करें यहाँ पे विकेट में, श्रीकर भरत को इन्होंने लिया, बहुत अच्छा ऑप्शन था। गुरबाज हो गए। बॉलर में हर्षित राणा, सुरेश शर्मा, वैभव रोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकरिया, मिचेल स्टार्क, मुजीबुर रहमान, गुन आतिकोसन और साथ में साकिब हुसैन। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, इनकी बॉलिंग और बैटिंग कितनी ज़बरदस्त है, आप इस चीज़ से बाय सोच सकते हो कि इनकी जो इंडियन है टॉप 4 या टॉप 5 तक ओपनर, मतलब इंडियन बैट्समैन है, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन के पास चले जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिनके बॉलिंग है मिचेल स्टार्क, साथ में चेतन सकरिया, साथ में इनके साथ में हर्षित राणा, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको पता होगा जो गुस आतिकोसन है भाई, ये जो प्लेयर है इंग्लैंड का भी उभरता हुआ सितारा है, ये भी बहुत बहुत अच्छी बाई है और इतनी ज़बरदस्त ये बॉलिंग करता है, हम सबको पता है, और बहुत इंप्रेस होने वाला है। ये टीम से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जब से यहाँ पे गए हैं ना गौतम गंभीर, ये टीम काफ़ी सॉलिड अब नज़र आ रही है। जी हाँ, अब नज़र आ रही है। तो जाओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दो दोस्तों, और हम देखते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो प्लेइंग 11 पे होने वाली है। तो जाओ आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। थैंक यू सो मच।